नमस्कार दर्शक बंधु, प्लस थ्री स्पोर्ट एडमिशन पाई गाइडलाइन कौन रही, डेडलाइन कौन रही, किभली भाव में आनेक्सचर फॉर्म ए भरवे संपूर्ण ओडिया रे आम एटी डिस्कशन करिबा। तेणु भिडियोटी को स्किप न करी शेष पर्यंत देखंतु, जहाद्वारा प्लस थ्री स्पोर्ट एडमिशन रिलेटेड जहाँ भी किसी डाउट रही क्लीयर हो। नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस घंटी के आइकन को दबाएं, ऑल सेलेक्ट करें हमारी सभी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नोटिफिकेशन टी रही गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट तरफ रु समस्त प्रिंसिपल मानकु नोटिस टी रही। एथिरे मेंशन करा जाय छि कि गाइडलाइन एंड डेडलाइन फॉर स्पोर्ट एडमिशन फॉर फर्स्ट फेज इन डिग्री कॉलेजेस फॉर द सेशन 2021-22 2021-22 शिक्षावर्ष पाई स्पोर्ट एडमिशन प्रथम फेज पाई गाइडलाइन कौन रही डेडलाइन कौन रही एठीरे मेंशन करा जाई। प्रथमे देखिबा कौन सब गाइडलाइन रही देखिपे। नंबर वन, एप्लिकेंट्स हु हैव रजिस्टर्ड एंड सबमिटेड देयर काफ ड्यूरिंग फर्स्ट फेज इन बिटवीन 20 अगस्त एवं 4 सेप्टेम्बर आर इलिजिबल टू अप्लाई फॉर स्पोर्ट एडमिशन। अर्थात जो मैंने फर्स्ट फेज एडमिशन पाई कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करथिले 20 अगस्त रु 4 सेप्टेम्बर मध्य से ही माने स्पोर्ट एडमिशन पाई इलिजिबल हेबे। नेक्स्ट रोचे दीज एप्लिकेंट्स हैव टू लॉग इन विथ देयर एक्जिस्टिंग यूजर नेम एंड पासवर्ड टू प्रोवाइड न्यू ऑप्शंस कॉलेज प्लस सब्जेक्ट इरेस्पेक्टिव ऑफ द ऑप्शंस मेंशन्ड अर्लियर इन द कैप एंड एप्लिकेंट कैन प्रोवाइड मैक्सिमम 5 ऑप्शंस। देखंतु निजर जो आईडी पासवर्ड थिला ता द्वारा लॉग इन करिवे, नूतन भाबे कॉलेज एवं सब्जेक्ट चूज करिवे एवं मैक्सिमम 5 ऑप्शन दे परिवे। ठीक अछि, तापर देखिपे वैकेंसी पोजिशन विल बी अवेलेबल सब्जेक्ट वाइज कैटेगोरी वाइज आट www.samsodisha.gov.in। वैकेंसी जोटी भी जितोटी रही जो डिग्री कॉलेज रे जितोटी वैकेंसी रही से सब सब्जेक्ट वाइज कैटेगोरी वाइज साम्स ओडिशा ऑफिशियल साइट रे आसीजीबो। एवं जदि भी किसी यार प्रॉब्लम देखुचंती निश्चित भाव में ईमेल मध्ये करि देबे ptc.section@gmail.com को, से माने ताकु डबल वेरिफिकेशन करिवे एवं समस्त प्रोसेस फॉलो करी से माने ठीक करके पुनर्बार मध्ये अपडेट करि देबे। एस सहित देखि पर्थुबे देयर विल बी नो वेटेज बट रिजर्वेशन विल कंटिन्यू फॉर ऑल रिजर्व कैटेगरी एप्लिकेंट। देखंतु एथिरे कोनोसी वेटेज रहिबो नाही, रिजर्वेशनटा जे भाई भाव में पूर्व से भाव में रिजर्वेशनटा रैटेगोरी पाई। नेक्स्ट देखिपे सिलेक्शन ऑफ द एप्लिकेंट्स विल बी डन प्योरली ऑन द मार्क बेसिस सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ रिजर्वेशन। देखु सिलेक्शन संपूर्ण भाव मार्क बेसिस रे करा जीवो एवं निज कैटेगोरी अनुसार मार्क बेसिस रे करा जीवो, जमीती कि एससी एसटी जो भाई भाव में कैटेगोरी थी से अनुसार जो मैंने आवेदन करेंगे से मार्क अनुसार से मूँगा सिलेक्शन कर सहित तो देखिपे। नंबर सिक्स, एप्लिकेंट्स आर रिक्वायर्ड टू सबमिट ए हैंड रिटन एप्लिकेशन एज पर द फॉर्मेट एनक्लोज्ड एनेक्सर ए अलोंग विथ द एडिट कैप एंड ए फोटोकॉपी ऑफ सेल्फ अटेस्टेड मार्कशीट कास्ट सर्टिफिकेट पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट एंड अदर डॉक्यूमेंट्स एड्रेसिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ द कॉलेज व्हेयर वैकेंसी एक्जिस्ट। देखु एथिरे पिला माने कौन करिवे ना निजर गोटे आप्लिकेसन देबे प्रिंसिपल को जोटा कि आनेक्सचर ए बोली तले गोटे रही मुदेवी प्रोसेस मध्य जो मैंने भी चाहूबे आनेक्सचर ए नहीं पारे मोठू टेलीग्राम चैनल रे जॉइन होइकी ता सहित कौन करिवे ना निजर कॉमन आप्लिकेसन फॉर्म जोटा भी डाउनलोड करिवे सेटा एवं मार्कशीट सब 10th + 2+ जहाँ भी सब थी से सब मार्कशीट ता सहित अटैच करिवे। इस सहित कास्ट सर्टिफिकेट जो मानकर थिबो से माने देबे पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट थिले पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट देबे एवं अदर डॉक्यूमेंट जहाँ भी सब थिबो स्पोर्ट्स एक्सर्मी जहाँ भी सब डॉक्यूमेंट थिबो से सबको अटैच करके सेटा नेकि कॉलेज रे सबमिट करबा को पड़िबो। समस्ते फॉर्म ए बा एनेक्सचर ए किभली भाव फिलअप करा जिवो एंड स्क्रीन ले कहिबी सेतिपई के व्यस्त हेबो नै। नेक्स्ट देखंतु नंबर 7, कॉलेजेस आर रिक्वायर्ड टू मेंटेन ए रजिस्टर एज पर द फॉर्मेट गिवन बिलो। देखिपे जो सब पिला माने जिबे फॉर्म सबमिट पाई कॉलेज कौन करिबो ना एही भली भाबरे
लिखिदेव कि स्पोर्ट एडमिशन 2021-22 एटी कॉलेज नेम टी लिखिदेव एवं सब्जेक्ट नेम बारकोड नंबर कैप केतोटी सबमिट है सिग्नेचर आप्लिकेंट करेंगे जो मैंने सबमिट कले सिग्नेचर करेंगे डेट क्यों डेट रे सबमिट कले क्यों टाइम रे सबमिट कले से मेनसन हम क्यों ऑफिसर रिसीव कले जो मैंने एडमिशन इनचार्ज थे से साइन करेंगे यही भाव में कलेज एटा मेंटेन कर गोटे रेकर्ड बा गोटे खातार यही भाव में मेनसन करेटी तुम्हें सिग्नेचर मारिक जब आस तुम फर्म टी आक्सेप्ट करागला ठीक अच्छे तब देखते नोट रे इफ वन आप्लिकांट हाज आप्लाइड फॉर मोर देन वन सब्जेक्ट इन वन कॉलेज देन सी और ही हाज टू प्रोवाइड दैट मच नंबर ऑफ कैप्स एट कॉलेज लेवल देखो जदि जड़े एक रु अधिक सब्जेक्ट पाई आवेदन करने को चाहूँगी ताले से कौन करना ताकू प्रोवाइड करा जीवो मैक्सिमम नंबर ऑफ कैप कॉलेज लेवल ले प्रोवाइड करा जीवो नेक्स्ट देखो आठ नंबर रोज सिलेक्शन लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड एज पर कैप्स रिसीव्ड एट कॉलेज सिलेक्शन लिस्टा प्रिपेयर करा जीवो कैप जेतोटी रिसीव करा जाइतबो से अनुसार सिलेक्शन प्रोसीजरटा करा जीवो ए सहित इफ ड्यूरिंग प्रिपेरेशन ऑफ सिलेक्शन लिस्ट इफ एनी एरर इन कैप इज फाउंड देन दैट कैन बी वेरीफाइड एंड करेक्टेड एज पर द एक्चुअल रेकर्ड लेटर ऑन द करेक्टेड डाटा कैन बी अपडेटेड इन सैम्स द कॉलेज कंसर्न्ड विद द विल बी हेल्ड रेस्पॉन्सिबल फॉर ऑकरेंस ऑफ एनी डिस्पेंसी इन फ्यूचर देखो जदि भी कहार किसी प्रॉब्लम रोचे जो मैंने कि मिथ्या तथ्य दे दिखती मार्क बेसी दे दिखती तो क्यों मैंने भी डुप्लिकेट जिनस किसी अटाच करके दे दिखती से गुड़ाक कौन करेटी भेरिफिकेसन टाइम जिते बड़े सिलेक्शन चलू थे डिटेक्ट करेंगे जहाँ भी भूल थी से कैप्रे करेक्शन करेंगे ए सहित सैम्स पोर्टाल अपडेट करदे कि पिलार यहाँ भूल रही देखो नंबर नाइन कॉलेजेस विल डिस्प्ले द लिस्ट ऑफ सिलेक्टेड एप्लिकेंट्स नेम ऑन कॉलेज नोटिस बोर्ड एज पर द टाइम लाइन फिक्स्ड बाय द हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट कॉलेज मैंने कौन करेंगे ना जो मैंने सिलेक्ट होते स्पोर्ट फेज वन से लिस्ट गोटे प्रिपेयर करेंगे निज नोटिस बोर्ड में मारिदेवे से जहाँ भी टाइम लाइन रही हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट तरफ से अनुसार से नोटिस बोर्ड में मारिदेवे टाइम लाइन टी आम डिस्कसन करवा तेणु वेट करूँ तापर देखा नंबर टेन कॉलेजेस विल टैग सिलेक्टेड एप्लिकेंट डाटा इन द कॉलेज स्पेस पॉजिटिवली एज पर द टाइम लाइन कॉलेज गुड़िक कौन करेंगे निजर सिलेक्ट जो मैंने एप्लिकेंट से नाम टी स्पेस अपडेट करदे एसत नंबर इलेवेन आप्लिकांट्स विल नो देयर सिलेक्शन फ्रॉम आप्लिकांट लॉगिन एंड फ्रॉम ई स्पेस ऑफ हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस इफ ए सिलेक्टेड आप्लिकांट गॉट मल्टीपल चॉइस ऑप्शन ई हैज टू चॉइस ओनली वन सिलेक्टेड ऑप्शन फॉर टेकिंग एडमिशन ओनली वन्स द आप्लिकांट सिलेक्टेड ऑप्शन फ्रॉम मल्टीपल ऑप्शन द अदर ऑप्शन विल बी इमीडिएटली डिसेबल्ड नो फर्दर एडिटिंग इज पॉसिबल एडमिशन पेमेंट फी ऑप्शन विल बी एनेबल अगेंस्ट सिलेक्टेड एप्लिकेंट ओनली देखो एडमिशन जदि जनक गोटे पिलार सपोज अधिक सब्जेक्ट बा अधिक कॉलेज आसूसी तेल सी कौन करता भितर गोटे चूज कर सपोज गोटे पिला पांचटी कॉलेज जाइली फर्म पकई गोटे कॉलेज में पांचटी अनर्स पकई तादी तार दुईट किनोटी कॉलेज रे आसुची किंबा गोटी कॉलेज रे दुई तीन टी सब्जेक्ट रे आसुची ताले से कोन करबे ना केवल गोटी को चूज करबो एवं सेटा को चूज करनबो ई स्पेस रे अपडेट कर दबो अपडेट करला परे से गोटी सब्जेक्ट पे पेमेंट करबा को पड़िबो एवं सेते ही एडमिशन नबो फर्दर आ एडिट करि परबो नाही केवल थरे मात्र एडिट करबो कि मु को जगह रे पढ़ी बा केऊ अनर्स रे पढ़ी सेटा केवल थरी सिलेक्ट करबो जदि जत्ते आसीताओ जेउ कॉलेज रु आसु कि जेउ टी बी सिलेक्ट हेउ से केवल गोटे रे एडमिशन नहीं पार ठीक अच्छे नहीं देखो नंबर ट्वेल्व ऑल सिलेक्टेड एप्लिकेंट्स आर रिक्वायर्ड टू पे द एडमिशन फी टू जेनरेट एंड डाउनलोड द इंटीमेशन लेटर अलोंग विथ सीएलसी इफ एन एप्लिकेंट गेट सिलेक्टेड फॉर मोर देन वन कॉलेजेस और वन कॉलेज विथ डिफरेंट सब्जेक्ट देन इट इज हिज और हर रेस्पॉन्सिबल टू टेक डिसीजन एज टू हेयर सी और हि वन्स टू टेक् आडमिशन एंड आप्लिकांट इज एलाउड टू पे एंड टेक् आडमिशन एगेन्स्ट वन ऑप्शन ओनली देखो जो मैंने सिलेक्ट होती
अधिक कॉलेज रे किंबा एक रु अधिक सब्जेक्ट रे सेमाने निज रेस्पोंसिबल सेमाने डिसाइड करिवे कि केउठी एडमिशन नेबे एवं सेटा तांकर फाइनल डिसिजन रहइबो जोटा भी चूज करिवे से अनुसार सेमाने एडमिशन नेबे। नेक्स्ट देखंतु नंबर 13 इट इज मैंडेटोरी फॉर द एप्लिकेंट्स टू टेक एडमिशन इन देयर सिलेक्टेड कॉलेज आफ्टर डाउनलोड ऑफ इंटीमेशन लेटर एवं समस्तंग पई मैंडेटोरी जो माने सिलेक्ट हेबे से माने इंटीमेशन लेटर डाउनलोड करिवे एवं एडमिशन मध्य दे परे ने परिबे। नेक्स्ट देखंतु टाइमलाइन कौन रही स्पोर्ट एडमिशन पाई प्रथम देखा नंबर 1 कंप्लीट वेरिफिकेशन रिगार्डिंग द वैकेंसी पोजीशन इन डिफरेंट सब्जेक्टेड बाय द कॉलेजेस इन कॉलेज स्पेस फॉर वेरिफिकेशन एट द लेवल ऑफ साम्स देखु 4 अक्टोबर 11 AM 6 अक्टोबर 11 AM पर्यंत कंप्लीट वेरिफिकेशन चलो वेरिफिकेशन जोटा कि रोक कतोटी वैकेंट रही सब्जेक्ट वाइज कॉलेज वाइज से सब वेरिफिकेशन चलो एवं फाइनल पब्लिकेशन ऑफ वैकेंसी इन साम्स वेबसाइट इंस्टीट्यूशन स्पेस एंड नोटिस बोर्ड ऑफ हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन 8 अक्टोबर 5 PM 8 अक्टोबर 5 PM रे फाइनल वैकेंट लिस्ट आसीबो केउ कॉलेज रे केतोटी वैकेंट रही केउ सब्जेक्ट रे केतोटी वैकेंट रही तेणु समस्ते 8 अक्टोबर 5 PM रे एटा को चेक करिवे। इस सहित देखिपे अवेलेबिलिटी ऑफ ऑनलाइन कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म इन द एक्जिस्टिंग एप्लीकेंट्स लॉगिन फॉर फिलिंग न्यू चॉइस मैक्सिमम 5 choices विथ रेस्पेक्ट टू सब्जेक्ट और कॉलेज देखो मैक्सिमम जो 5 कॉलेज और सब्जेक्ट चूज करिवे सेटा निजरो एप्लीकेंट लॉगिन ले अवेलेबल हो जोटा कि 9 अक्टोबर 9 AM to 17 अक्टोबर 11:45 PM पर्यंत 9 रु 17 पर्यंत पिला माने नुआ करी कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म भरिबे एवं मैक्सिमम 5 choices दे पारिबे। नेक्स्ट देखंतु सबमिशन ऑफ हैंडरिटन एनेक्सचर फॉर्म बाय एप्लीकेंट टू हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस अलोंग विथ द प्रिंटेड कॉपी ऑफ एडिटेड कैप ए फोटोकॉपी ऑफ सेल्फ अटेस्टेड मार्कशीट कास्ट सर्टिफिकेट PWD सर्टिफिकेट एंड अदर डॉक्यूमेंट्स एड्रेसिंग टू प्रिंसिपल ऑफ कॉलेज एज ही और हर चॉइसेस कॉलेजेस और सब्जेक्ट देखंतु जो माने जो कॉलेज रे फॉर्म पकाइथिबे जो सब्जेक्ट रे फॉर्म पकाइथिबे से अनुसार से कॉलेज विजिट करि परिबे एवं जहाँ भी सब डॉक्यूमेंट कही सब डॉक्यूमेंट को एनेक्सचर फॉर्म ए सहित अटैच करेंगे करके देवा पड़ो जितोटी भी जो पे आवेदन करेंगे से सब कॉलेज 16 अक्टोबर 18 अक्टोबर 19 अक्टोबर 20 अक्टोबर 21 अक्टोबर ये रही 5 दिन टाइम रही 5 दिन में 5 कॉलेज विजिट करके एप्लीकेशन सबमिट करके आसपारे जेहेतु 5 मैक्सिमम चॉइस रही से दूर जो मैंने चाहूबे एडमिशन ना से गोटे गोटे दिन दि जाए जदि गोटे दिन में गोटे जगार जाकि फर्म भरिकी आस तेल 5 दिन में 5 choices जो दे थोड़े से अनुसार जाकि भरिकी आसपार ठीक अच्छे जो मैंने सेम कॉलेज 5 options दौ से तो सुविधा हे गोटे दिन में समस्त अटैच करके सबमिट करदे पार एवं जहाँ भी सब रही 10 AM to 5 PM पर्यंत समस्ते जा फर्म भर को पड़ो कॉलेज एडमिशन सेक्शन ले सबमिट करने को पड़ो। प्रिपेरेशन एंड पब्लिकेशन ऑफ सिलेक्ट लिस्ट इन कॉलेज नोटिस बोर्ड आउट ऑफ द रिपोर्टेड कैंडिडेट एज पर एक्चुअल वैकेंसी बाय रेस्पेक्टिव कॉलेज जो कॉलेज रे सब्जेक्ट वाइज जितोटी वैकेंसी थी एवं जितोटी भी कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म रिसीव कर से अनुसार मेरिट लिस्ट प्रिपेयर करा स्पोर्ट एडमिशन फेज 1 और सेटा 23 अक्टोबर 3 PM कॉलेज नोटिस बोर्ड रे देखिपारे जो मैंने भी चाहिए कॉलेज विजिट करके देखिपारे नचे जिते भी फॉर्म सबमिट करने को जाती किसी पिला चिन्ह कर दिंतु जो मैंने कि लोकल पिला से मैंने नोटिस भी पठाईदे कॉलेज नोटिस बोर्ड रू से घरे बसिक देखिपारे इस सहित अपडेशन करेंगे जो मैंने एक रु अधिक जगार सिलेक्ट होते एक रु अधिक सब्जेक्ट रे अनर्स सिलेक्ट होते से कौन करेंगे ना 24 अक्टोबर 2 PM चूज करेंगे केवल गोटे क्योंटी पढ़ाक चाहती इस सहित यहाँ 24 अक्टोबर 2 PM 27 अक्टोबर 5 PM पर्यंत चॉइस दि जा पाने निजे डिसाइड करेंगे क्यों जगार पढ़वी एवं क्यों अनर्स पढ़वी सेटा को सेमाने सिलेक्ट करेंगे एवं सेठ ही एडमिशन ने रही टाइम 24 अक्टोबर 27 अक्टोबर तापर देखिपे ऑनलाइन डिपॉजिट ऑफ एडमिशन फी फॉर सिलेक्टेड एप्लीकेंट्स बाय लॉगिन टू साम्स
अकाउंट एंड डाउनलोडिंग द ऑफ इंटीमेशन लेटर देखो 24 अक्टोबर रु जो मैंने सिलेक्ट करे कि मुझे जगह एडमिशन करी ए अनुसार एडमिशन करी से जितक भी फिज थी 24 अक्टोबर 2:00 पीएम रु 27 अक्टोबर 11:45 पीएम पर्यंत फी पेमेंट करेंगे। फी पेमेंट कले ही इंटीमेशन लेटर आसपे एडमिशन कॉलेज विजिट करेंगे। ठीक अच्छे तप देखिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड एडमिशन ऑफ सिलेक्टेड एप्लिकेंट्स जो मैंने भी सिलेक्ट होते हैं पेमेंट कर सारे से 27 अक्टोबर 10:00 एम रु 28 अक्टोबर 5:00 पीएम पर्यंत एडमिशन नहीं पारे से कॉलेज जो भी से सिलेक्ट होते हैं वेरिफिकेशन करा जिवो एडमिशन दिया जिवो एवं जो मैंने सब एडमिशन नेले से डाटा अपडेट करा जिवो 27 अक्टोबर 30 अक्टोबर 5:00 पीएम पर्यंत। यह थिला संपूर्ण टाइम लाइन। यही टाइम लाइन अनुसार समस्त प्लस थ्री स्पोर्ट एडमिशन प्रक्रिया जारी रहिबो। वर्तमान देखिबा अनेक्सचर ए किभली भाबरे फिलअप करिवे देखंतु एटा को समस्ते प्रिंट आउट काढ़ी नेबे। प्रिंट आउट काढ़ला परे एही भली भाबरे देखिपरिबे अनेक्सचर फॉर्म ए प्लस थ्री साम्स ई एडमिशन स्पोर्ट डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा टू द प्रिंसिपल एटी देखिदेबे कॉलेज नेम सपोज मुझे लिखुची कि FM ऑटोनॉमस कॉलेज बालेश्वर एटी लिखने ली। तापरे मैडम और सार आई डेस ब्यूरिंग बारकोड नंबर डेस एटी आई तुम नेम टी लिखिदेव कि जो रही है नेम टी लिखिदेव एवं तुम बारकोड नंबर टी लिखिदेव कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म रे जोड़ा थी जितेबले भी स्पोर्ट पर 5 ऑप्शन दे कि कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करुच से टाइम रे एटी जो बारकोड नंबर टी थी सहीटा ठीक से भरब। ठीक अच्छे तापर देख पार हाव टेकन और नॉट टेकन एडमिशन आट डेस जदि एडमिशन कौटी नहीं थी ताले लिखिबो हाव टेकन उपरे टिक मारिबो एवं लिखिबो कि क्यों जगह एडमिशन नहीं चो जदि भी एडमिशन नहीं ना ताले नॉट टेकन उपरे टिक मारी नबो। ठीक अच्छे जो मैंने टोटाली सिलेक्ट होइनो। ठीक अच्छे तापर देख पार जो मैंने भी ऑनर्स रे एडमिशन नहीं थे कि पास रे एडमिशन नहीं थे से सब ये फिलअप करेंगे नचे फिलअप करेंगे ना। तापर देख नाउ आई एम इंटरेस्टेड टू टेक एडमिशन इन द ऑनर्स सब्जेक्ट और पास सब्जेक्ट डेज इन योर कॉलेज एटी सपोज गोटे पिला मैथ रे एडमिशन नाक चाहिए तार लिखो नाउ आई एम इंटरेस्टेड टू टेक एडमिशन इन द ऑनर्स सब्जेक्ट ऑनर्स टिक मार लिख कि ऑनर्स सब्जेक्ट मैथ इन योर कॉलेज आई हाव सिक्योर डेज मार्क आउट ऑफ टोटल मार्क डेज आट हायर सेकेंडरी एग्जामिनेशन एटी आई हाव सिक्योर डेज मार्क के मार्क रखी सपोज गोटे पिला रखी 540 ताले टी लिखिबो कि मु 540 रखी 600 रु एटी फिलअप करनब एवं तार फोटोकॉपी जो प्लस टू सर्टिफिकेट थी तार फोटोकॉपी एवं प्लस टू मार्कशीटा एटी अटैच करने को पड़ो ये फॉर्म सहित तब देख पाथ माई रजिस्टर्ड कॉन्टैक्ट नंबर इज डेस एंड ईमेल आईडी इज डेस एटी निजर कॉन्टैक्ट नंबर टी देबे ये जो रही एटी नंबर टी देदेबे मोबाइल नंबर टी जोटा भैलीड थी सहित ईमेल आई डी जदि रही देदेबे। ठीक एटी निजर सिग्नेचर टी मारदेवे इस सहित डेट पकड़देवे जो डेट रे कॉलेज रे सबमिट करुच इस सहित प्लेस जो कॉलेज रे फॉर्म टी सबमिट करुच से प्लेस टी पकईदेव मुझे जेहेतु एटी FM ऑटोनॉमस कॉलेज बालेश्वर रे फॉर्म टी भरबी तो मुझे बालेश्वर पकईदेली से भाई जो भी जो मैंने फॉर्म पकेबे से प्लेस टी एठारे मेंशन करदेवे। यह थिला संपूर्ण प्रोसेस ताले पिला माने जानी रखंतु कि निजर कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म जोटा भी बाहरी थिबो सेटा एस सहित अनेक्सर फॉर्म ए 10th मार्कशीट प्लस टू मार्कशीट सर्टिफिकेट एस सहित निजर इंटीमेशन लेटर एवं फोटोकॉपी एस सहित जो मानकर SC ST PWD एक्सरिसमेंट जहाँ भी सब थी से सब को अटैच करेंगे। अटैच कलापर नहीं कि जो कॉलेज रे फॉर्म सबमिट करिवार थिबो से कॉलेज रे नेकी सबमिट कर देबे सपोज गोटे पिला 5 कॉलेज रे पकेची ताले से 5 जगह रे एही बोली सबू अटैच करके नेकी दबा को पड़िबो। जदि गोटे पिला गोटी कॉलेज रे 5 सब्जेक्ट रे पकेबा को चाहूची ताले से कोन करिवो ना एही बोली भाबरे 5 बनेबो से कॉलेज रे नेकी सबू को सबमिट करबा को पड़िबो। वीडियो भल लगी निश्चित भाव में वीडियो को लाइक करूँ चैनल को सब्सक्राइब करूँ बहुमात्र वीडियो टी शेयर कर दिंतु। जय जगन्नाथ देखा आगामी वीडियो रे।